उत्तराखंड की 9 जिलों में मौसम विभाग ने हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर गढ़वाल रीजन में मॉनसून अगले 2 दिन तेज ज्यादा तक एक्टिव रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर जिले में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। 14 से 18 अगस्त तक भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में भी भारी बारिश हो सकती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेगी 13 तारीख को, तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है, इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पर भी एक आध स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है, मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहां रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी, एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं 14, 15, 16 में, तो थोड़ी एक्टिविटी कम तो हो रही है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास जो बारिश है वो आगे भी मिलती रहेगी। और एक दुक्का डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, तो इनमें संभावना कि एक आध स्टेशन जो है हैवी रेंज को उसमें भी मिल जाएंगे। 14, 15, 16 के कर बात करते हैं, तो इस तरह की स्थिति है। तो सामान्य बारिश तो मैं कहूंगा कि जो नॉर्मल रेन है, लाइट से मॉडरेट है ज्यादातर जगहों में, वो तो आपको 14, 15, 16 में ही मिले।